चंदू तो आज बहुत ही सुंदर बन गया। 10 के कंप्लीट हो चुके हैं गाइस, ये कितना काम करा चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टोन पेपर कंप्लीट, अब हम इन पे लीपा पोथी करेंगे। 1 2 3 4। सो हे यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं भी ठीक हूँ। तो आज नए दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे तो मैं सुबह से 8 बजे से उठ गई हूँ और सब काम जो है सुबह के होते हैं वो सब फ्री हो गए हैं करके, और सुबह मैं क्या क्या करती हूँ वो सब मैंने इससे पिछले व्लॉग में आप सभी को बता दिया है। तो जो जो भी जानना चाहता हो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। भाभी भी आज घर पर हैं, फ्री हैं, तो आज आपको ननंद भाभी की मौज मस्ती देखने को मिलेगी और देखते हैं कैसा रहता है हमारा दिन। सोचा तो बहुत कुछ है और भाभी को भी फंक्शन वगैरह है, तो हम सोच रहे थे कि नेल एक्सटेंशन वगैरह करने के लिए, देखते हैं आज हमसे कितना जो हो पाता है कि नहीं हो पाता है। पता नहीं भाभी को मैं क्या बना दूंगी पर चलो ठीक है, देखते हैं। तो फिलहाल के लिए देखते हैं नीचे चलकर भी क्या हुआ हो रहा है और क्या कर रहे हैं सभी। और भैया खाना लेकर आ गया, ये मेरे को इतनी भूख लगी हुई है ना, और ये प्लेट लेकर इधर आ गए। चुपड़े हुए डोगरी में बोलते हैं, चुपड़े हुए फुलके, घी को घी लगाए हुए जो चपाती होती है। तो सैंडू भी आज नहाई हुई है, वो इतना भाग रही थी ना तब मैंने व्लॉग नहीं किया। अभी देखते हैं सैंडू को भी वो क्या कर रही है। और चलो चलते हैं। और भैया आज घूमते घूमते ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, भैया ने आज सारा घूमते घूमते ही ब्रेकफास्ट करना है। यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा, कहाँ चले गए पापा? अभी तैयार हो रहे हैं, अभी पापा को दिखाएंगे। सैंडू कहाँ है? महीना चल रहा है मई का और हमारी सैंडू देखना नहाई हुई है, तो इसको ठंड लग रही है। देखो सैंडू क्या हो गया, आज कौन नहाया है? ये बेल्ट क्यों खोल ली? सैंडू तो आज बहुत ही सुंदर बन गया, प्यारा प्यारा। देखो आज धूप सेकती रहेगी ये, क्योंकि ये क्या देखना, इसने खाना खाया और दूध सारा मुंह पर मला हुआ है। तो चलिए अब करते हैं हम भी ब्रेकफास्ट, और मेरा ब्रेकफास्ट का यही रहता है कि मैं शिनचैन देखती हूँ और फिर खाना खाती हूँ। तो किस किस को पसंद है और शिनचैन कौन कौन देखता है? तो मैं तो देखती हूँ, अभी तक देखती हूँ। तो चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और भाभी को ढूंढती हूँ, पता नहीं कहाँ गए हैं वो। और हाँ, मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि मेरे 10K कम्प्लीट होने वाले हैं, तो 10K कम्प्लीट हो चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो एक ही वीडियो पे आए लेकिन किसी पर तो आए, और काफ़ी अच्छा लगता है। कभी सोचा नहीं था कि इतने व्यूज़ मेरी किसी वीडियो को मिल सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए। ये देखो भाभी, हमारा ब्रेकफास्ट और हमारा शो क्योंकि शिनचैन अभी ऐड आ रही है तो हम डोरेमोन देखेंगे। तो भाभी ऊपर आए थे और मैं भी इनका सिर खाने ऊपर आ गई। ये मेरे से बहुत लड़ती हैं गाइस, ये मेरे बात बात पे मेरे से लड़ाई करती हैं। इस घर में बहुत ही धोखे में रखा जा रहा है गाइस। बेशक प्रेस ये करेंगे पर काम मेरे से करवाते हैं। देखो गाइस, मैंने दरवाजा नहीं बंद किया, उसके लिए भी मुझे डांटा जा रहा है, बोल रहे हैं ये कैसी लड़की है, तुमने दरवाजा नहीं बंद किया, मच्छर आते हैं। देखो गाइस ये ना, मैं अब इनकी वो बताती है, प्रेस करने आए हैं कपड़े, तो प्रेस मुझे थोड़ी इधर दिख रही है, कपड़ा कोई पास दिख नहीं रहा है, पर्दे बंद हो चुके हैं, तो समझ नहीं आ रहा मुझे ये ऐसी प्रेस कहाँ से होती है। ये इनकी चलाकी मैंने पकड़ ली है, अब ये कभी भी बोलेंगे ना मैं ऊपर ये करने जा रही हूँ साथ आना। बहुत ही चला ये मूड बन रहा है मम्मा, मैं मम्मा मैं आपको व्लॉग के माध्यम से ये दिखाना चाहूंगी। मैं व्लॉग के माध्यम से नहीं, मम्मा नीचे ही, मैं आपको व्लॉग के माध्यम से हैं। देखो गाइस ये कितना काम कराते हैं काम कराते हैं कि पानी की बोतल भी मेरे से मांगी जा रही है कि उठ के पानी की बोतल पकड़ो, जो कि बैठ गई उसी कॉर्नर पे पड़ी हुई। गाइस उठ के जाना पड़ा है, मेरे मसल्स में पेन। एक काम चोर दूसरे काम चोर को कुछ नहीं बोल सकता है। इतना काम करती हूँ मैं, पैकेट ऐसे खोलना पड़ता है मेहनत के साथ, फिर इतनी मेहनत लगती है गाइस एक पैकेट को खोलने में, ये सेवा की हद हो चुकी है गाइस। पानी इस तरह से पानी जो जो पीते हो वो मुझे भी बताइए, आज आपको एक नया तरीका बताया जा रहा है पानी पीने का। आलस्य में मैंने सोचा था सैंडविच ही इतनी आलसी है, ये एक और आलस्य से भरा प्राणी मुझे दिख चुका है। इस ब्लॉग का टाइटल होगा अभी कर रही है आज काम।
मुझे बहुत बड़ा जख्म आया है इसलिए मैं काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं रेस्ट कर रही हूँ। और हाँ मतलब कि मेरे पास एक मैगी है तो वो बनाएंगे, लेकिन उसमें एक ट्रिक है, बोलूँ क्या? हम खेलेंगे स्टोन पेपर सीजर, जो भी तीन बार खेलेंगे पे जीतेगा ना वो मैगी नहीं बनाएगा, जो हारेगा उसको मैगी बनानी पड़ेगी। मैं सोच रही हूं कोई गेम ऐसे, गेम्स बिल्कुल नहीं बन रही। वो मैगी नहीं है, वो दूसरे नूडल्स हैं, नए फ्लेवर, कोरियन फ्लेवर है वो। तो उस गेम में जो भी जीतेगा वो रेस्ट करेगा, जो हारेगा उसको मैगी बनानी पड़ेगी। तो मिलते हैं आपको उस गेम के साथ। दोपहर के 3 बज चुके हैं और भाभी सोए हुए हैं और मैं सोच रही हूँ एडिटिंग कर ली जाए यार। मैं एडिटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मौत आती है, पर चलो कर लेते हैं, करनी तो है, वरना दिखाऊंगी कैसे ब्लॉग कैसे डालूंगी, बिना एडिट किए तो मैं डाल नहीं सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा बकवास करती होती है, जो कि आप सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, तो इसीलिए जल्दी से एडिट कर लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं एडिटिंग के बाद। तो दोपहर के 3:30 हो गए हैं और मैं एडिटिंग कर रही थी तो थोड़ा सा थक गई और भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये नूडल्स का जो पैक है ये निकाल लिया है। ये नूडल्स मैं आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये कौन से नूडल्स हैं और कितने का पैक पड़ेगा, और साथ में जाके पहले भाभी को देखते हैं भाभी जाग रहे हैं कि नहीं। अगर वो उठे होंगे तो फिर वो वाली गेम खेल के देखते हैं किसकी टर्न आती है बनाने की, और अगर वो सोए होंगे तो फिर सोने देंगे, फिर जब वो उठेंगे तो फिर हम कर लेंगे। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि ये कौन से नूडल्स हैं और क्या है। तो इसका पैक कुछ इस तरह से है, इसका नाम है सून वेजी रेमन नूडल सूप। तो ये वेज है, प्रिंट आउट आप देख सकते हो, तो 109 रुपीस का ये है। तो चलो पहले अब चलते हैं भाभी को देखते हैं, पैकेट भी साथ ही ले जाऊंगी। तो लड़की सच में काम कर रही है नींद पूरी करके। हाँ खाना चाहेंगे? इसके लिए आपको गेम खेलनी पड़ेगी बनाने के लिए, इसके लिए गेम खेलेंगे हम और देखते हैं किसकी टर्न आती है। पहले भाभी को गेम सिखाते हैं, स्टोन पेपर सीजर करेंगे। ये स्टोन का साइन है, ये पेपर का साइन है, ये सीजर का साइन है। तो जैसे स्टोन जो है वो सीजर को तोड़ देता है, अगर मैंने स्टोन के आगे सीजर किया तो आप हार गए, ठीक है। अगर पेपर जो है उसको स्टोन को कवर कर लेता है, तो अगर आपने पेपर किया मैंने स्टोन किया तो मैं हार गई क्योंकि आप मेरे को कवर कर लोगे। तो इस तरह से ये गेम है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। स्टोन पेपर सीजर, कट गया पेपर। स्टोन पेपर सीजर, तोड़ दोगे एक एक, अब ये लास्ट है। स्टोन पेपर सीजर तो मैं हार चुकी हूँ और अब मैं नूडल्स बनाऊंगी, तो जैसे भी बनेंगे मैं बना दूंगी और इनको खाने होंगे, और आपको फिर रिव्यू देते हैं ये कैसे हैं टेस्ट में और कैसा नहीं। अभी तक तो मैं एक्साइटेड हूँ इनको खाने के लिए, लेकिन खाने के बाद पता चलेगा मेरी एक्साइटमेंट ठीक रहती है या फिर भाड़ में जाती है। तो चलिए चलते हैं इन्हें बना के। बोला गया है कि 3 कप जो है वो पानी डाल दो, फिर उसके बाद सब कुछ जो है नूडल्स मसाला फ्लेक्स वगैरह पाउडर सूप पाउडर नूडल्स एंड फ्लेक्स एक साथ डाल दो पानी में और उनको 4.5 मिनट तक के लिए पका दो और बन जाएंगे। तो देखते हैं इतने इजी हैं भी है कि नहीं। मेरे नूडल्स अभी बॉयल हो रहे हैं, जब ये बॉयल हो जाएंगे तो फिर देखते हैं खा के पता नहीं कैसा बनेगा। और ये इसमें इन्होंने वेजीज भी दी हुई है, जैसे ये साग है शायद, जो हमने ऐसे तो खाने नहीं है सब्जियां, पर कोरियंस के नाम पे ज़रूर खाएंगे। तो अभी बनने वाला है, पता नहीं, वैसे मैंने थोड़ा सा ना टेस्ट किया, वो जो कच्ची मैगी जैसे हम टेस्ट करते हैं उसका टेस्ट अलग होता है ना, इसका खाया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अब देखते हैं जब बनने के बाद ये कैसी रहती है। मुझे इसकी खुशबू से ना बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं लग रही है ये, तो मैं सोच रही हूँ स्पाइसी करने के लिए हरी मिर्ची खुद से ऐड कर लेती हूँ। नूडल्स हो गए हैं तैयार, अब ले चलते हैं इनको ऊपर और मैं भाभी से पूछ के बताती हूँ कैसे बने हैं। पर अगर मैं सच सच बोलूँ ना, मुझे इनसे बिल्कुल भी उम्मीद 0 लग रही है कि इसका टेस्ट अच्छा होने वाला है, पता नहीं क्यों पर मुझे अच्छा फील नहीं आ रहा। तो चलो अब पूछते हैं भाभी से, पहले भाभी को ही ट्राई कराऊंगी कैसा टेस्ट है कैसा नहीं। चलो खा के बताओ।
चलिए मैदान में आ चुके हैं भाभी। आपने ऐड की इसमें? नहीं, इसी में थी। साग भी है इसमें, थोड़ा सा टेस्ट है। कैसा है, फोके या टेस्ट है कुछ? अच्छा, पास है। 10 में से कितने? 10 में से अपना फ्लेवर है इसका, 9 तक दे देती हूँ मैं। अभी ने तो 10 में से 9 दे दिया, अब मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि तो मैं कितने हमने खाया था। हाँ, जो पहले वाला नूडल्स खाए थे, क्या नाम था उसका, स्पाइसी थे। हाँ, उसका मुकाबला तो नहीं है, पर ये इसका अपना टेस्ट है। चलो मैं अभी खाकर देखती हूँ जरा कैसा टेस्ट है इसका। तो थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है इसका, और मैं इसको दूंगी 10 में से 8। मैं 10 में से 8 दूंगी इसको। तो हमारे कटोरे हो चुके हैं खाली। तो अगर कोरियन मैगी जो है मतलब स्पाइसी वाली कोई नहीं खाना चाहता और फिर भी उसको कोई खाने का मन हो तो वो ये फ्लेवर खा सकता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मिर्ची नहीं थी। हाँ, हमने जो पहले ट्राई की थी एक बार पहले, वो भी पीछे किसी एक ब्लॉग में दिखाया था, तो अगर वो जानना हो तो आप पीछे ब्लॉग्स चेक कर सकते हो, तो उसमें आपको कहीं पे मिल जाएगी। जो हमने ट्राई की थी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, इतनी ज़्यादा तीखी, मज़ा आ गया था उसको खाने में। तो एवरेज एवरेज लगी, ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी मुझे, पर मिर्ची डाल के फिर भी मज़ा आया थोड़ा सा खाने में। तो बाकी आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। और अगर जिस जिसने ये ट्राई की हुई है वो भी कमेंट करके बता सकता है, और कोई नया फ्लेवर हो तो वो भी हमें बता सकता है, हम वो भी बाद में ट्राई करेंगे। तो शाम के 7 बजे मैं और भाभी निकल रहे हैं मंदिर के लिए, और अभी हम स्कूटी लेकर जाएंगे। आज हम गाड़ी नहीं लेकर जाएंगे, आज हम स्कूटी लेकर जाएंगे। चांद देखना, पूरी बॉल जैसी लग रही है। आज पूर्णमासी है तो पूरा है चांद। जोक से पार्ट, मेरी भाभी बहुत काम भी करती है। देखो कैसे सैलेड बनाया जा रहा है यहाँ पे, देखा चेरी। मैंने अपनी भाभी को बहुत वो कर दिया, तो मैं बताऊंगी कि मेरी भाभी कितना काम करती है। ये है इनका काम करने का तरीका, एक अपना एंटरटेनमेंट साथ में रखते हैं, ये साथ में लगा के। हाय गाइस, ऐसे ही डाल हुए, मुंह इतना बड़ा है ना आपका। हाय गाइस, चुकंदर पे चुकंदर बूंदी डाला दी। रात के हो रहे हैं 10:15 और हम स्टार्ट हो गए हैं अपना कार्यक्रम स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा ये जो भी सामान है ये आ गया, हमारे नकली नाखून। अब हम करेंगे नेल एक्सटेंशन, और आज जितना जितनी नॉलेज मुझे होगी उतनी उतनी देती जाऊंगी आपको कि क्या क्या करना होता है। सबसे पहले अपने नाखून से वो करें, रिमूव करें नेल पेंट। तो सबसे पहले हम करेंगे नेल पेंट रिमूव। हमारे पास है ये वाला रिमूवर। अभी सबसे पहले जरूरत है नेल्स कट करने की, जो कि भाभी ने कर दी है। अब नेल पेंट रिमूव करेंगे। देखो हमारे पास कितनी अच्छी मशीन है, ऐसे ऐसे घुमाओ और नेल पेंट रिमूव हो जाएगा। वाओ, ये जादू। नेल पेंट हो चुका है रिमूव। अब हम करेंगे फॉइल नाखूनों को। इसमें हर साइज का नेल मिल जाएगा आपको, जिससे कि हम पहले देखेंगे कि भाभी के साइज का कौन कौन सा नेल लगाना है हमें। ये तो निकाल लेंगे हम। कितनी लेंथ चाहिए मैम आपको? फुल। इतना ही लगा दूं? इसको हम नेल कटर से ऐसे कट कर लेंगे जितना भी हमें चाहिए होगा। अब हम इनको फॉइल करेंगे। तो इस तरह से कुछ शेप जो है नाखूनों की बना ली है, ये लिटिल फिंगर की है। तो अभी हम भाभी का लगाकर दिखाएंगे आपको, एक करके शेप बनाऊंगी और एक एक लगाते जाऊंगी, क्योंकि पिछली बार जब हम कर रहे थे तो सारे मिक्स हो गए, फिर पता ही नहीं चल रहा था कौन से नाखून का कौन सा वाला नाखून था, कौन से फिंगर का कौन सा नेल था, नाखून का कौन सा वाला नाखून था। पहले नेल को ऐसे थोड़ा थोड़ा रब कर देंगे ऊपर से, ताकि जो ग्लू है और जो नाखून है वो पकड़ कर ले, और ये जो होते हैं क्यूटिकल्स होते हैं इनको हम थोड़ा सा पुश करेंगे पीछे की तरफ। अब हमारे पास है ये नेल ग्लू, तो इजीली अप्लाई हो जाती है नेल पॉलिश के, क्योंकि ये नेल पॉलिश की जैसी है। अब लगाएंगे हम नेल कुछ इस तरह से, हम ग्लू लगा लेंगे और उसके ऊपर हम
देखो हमारा एक नेल लग चुका है जिसमें कि हमें क्या करना था, ग्लू लगानी थी, फिर उसके ऊपर नेल को लगा के उसको अच्छे से दबा दें, ताकि मतलब इतना भी जोर से नहीं दबाना कि खून ही रुक जाए लेकिन थोड़ा अच्छे से प्रेस कर दे ताकि जो वो ग्लू है वो अच्छे से चिपक जाए और नेल जो है निकले ना। चलो एक नेल लग गया और इसी प्रोसीजर के साथ हम सारे नेल्स लगाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा टूटे फूटे तरीके से जैसे भी मैंने बताने की कोशिश की। गाइज मेरे साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है, जो मैंने नेल पहले काटा बोलते ये बहुत लंबा है, अब मैंने छोटा काटा मुझ बेचारी पे अत्याचार हो रहा है, अब बोल रही है बहुत छोटा है। ये लड़की सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है लेंथ से, ये बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, अब फिर से काट रहे हैं इनका। अगली बार आप खुद करके लाओगे मुझे कितनी लेंथ चाहिए। मैम सेटिस्फाई? तो अभी ये वाइट नाखून दिख रहे हैं आपको जो, ये हो गए हैं कंप्लीट। अब हम इन पे लीपा पोथी करेंगे, लीपा पोथी का मतलब होता है पेंट कर देंगे, तो फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको। तो हमारी नेल एक्सटेंशन हो गई है कंप्लीट, और कमेंट करके जरूर बताना, हमें इतना ही आता है नेल आर्ट, एक नेल को कोई और कलर कर दो बाकियों को कोई और। तो कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके जरूर बताना, बहुत मेहनत की है। 11:30 के अब 12 बजने वाले हैं। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो व्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आ सके और आप जल्दी से व्लॉग देख सको। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, अब हम भी सोते हैं और मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।